छेदी पासवान के बयान पर लालू का रिएक्शन। लगातार जीडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। बीजेपी से सासाराम सांसद छेदी पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। इतना ही नहीं, छेदी पासवान ने कहा कि बिहार में शराबबंदी का महज ढिंढोरा पीटा जा रहा है। साथ ही छेदी पासवान ने कहा कि बिहार में सरकार चलाने के लिए ढाई ढाई साल के फॉर्मूला लागू होने चाहिए। पूरे मामले पर लालू यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि छेदी को दाऊद वाली बात नहीं करनी चाहिए। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पटना पहुंचने वाले लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश सिविल वॉर की ओर बढ़ रहा है। मोदी सरकार में देश में अगर सिविल वॉर होगा तो उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। लालू यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये लोग केवल यूपी चुनाव को लेकर नहीं बल्कि आए दिन मुजफ्फरनगर तो कभी कैराना जैसी गंदी बातें रोज बोल रहे हैं। देश में इतनी गरीबी है, बेरोजगारी है, अन्य परेशानियां हैं, लेकिन उसकी एक दिन भी चर्चा नहीं हो रही है। पीएम का भाषण हो चाहे किसी और नेता का, सभी में अयोध्या, वाराणसी, मथुरा जैसी बातें होती हैं। इन लोगों को चस्का लग गया है कि इन्हीं सब शब्दों से वोट मिलेगा।